हाय दोस्तों, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम सीखेंगे कि किसी कंडीशन के बेस पर हम अपने चार्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस एग्जांपल की जिसका यूज हम कंडीशन के बेस पर अपने चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए करेंगे। सेल्स नाम की हमारी ये शीट है जिसमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स का कुछ डेटा है। हमको अपने चार्ट में हर उस प्रोडक्ट की सेल को ग्रीन कलर से दिखाना है जिसकी सेल 8,000 या उससे ज़्यादा हुई है। मतलब दो हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल 8,000 या उनसे ज़्यादा हुई है, बाइंडर और पेन सेट। इनकी सेल को हमें ग्रीन कलर से अपने चार्ट में दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डेटा का यूज करके एक सिंपल एम्बेडेड चार्ट हम बनाते हैं इस शीट में, और उसके बाद उस चार्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। चलते हैं वीबी एडिटर में और सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं CHRT नाम से चार्ट टाइप का। उसके बाद हम देंगे कि हमें चार्ट किस शीट में बनाना है। सो हमारी शीट का नाम है सेल्स और इसका कोड नेम है SH Sales। तो हम लिखेंगे SHSales.shapes.addchart2.chart, और जो एक नया चार्ट हमारा इंसर्ट हो रहा है सीट में उसके रेफरेंस को हम, जो हमने CHRT नाम का चार्ट टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसमें करा लेते हैं स्टोर। और फिर चार्ट किस सोर्स डेटा पे बनाना है हम वो भी दे देते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं CHRT जो कि हमारा चार्ट है, चार्ट का वेरिएबल डॉट सेट सोर्स डेटा। एक मेथड है उसमें रेंज दे देनी है। हमारी रेंज कौन सी है? हमारी रेंज है A1 से लगा के B6 तक की। ये रेंज हमारी है SH Sales वाली सीट में, रेंज A1 से B6 तक की। इतना कोड लिखने के बाद इस मैक्रो को रन करें और एक्सेल की सीट में जाए, सो एक नया हमारा एम्बेडेड चार्ट शीट में ऐड हो गया है। पर आप देखोगे इसके हर प्रोडक्ट को अभी जो बाय डिफॉल्ट कलर है ब्लू में शो हो रहा है। पर हमें क्या करना है, अगर किसी प्रोडक्ट की सेल 8,000 या उससे ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट को हमें ग्रीन कलर में शो करना है। वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे चार्ट में ये सीरीज है इसको एक सीरीज टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे, और फिर सीरीज में जितनी भी ये मतलब हमारी बार शो हो रही है हर किसी की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर 8,000 है या उससे ज़्यादा है तो उसे ग्रीन कर देंगे। सो वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए चलते हैं वापस से हम बीबी एडिटर वाली विंडो में और एक सीरीज टाइप का एस नाम से वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं, और इस एस वेरिएबल में हम हमारा जो चार्ट है उसकी जो सीरीज है उस सीरीज को स्टोर करा लेते हैं। अभी हमारे चार्ट में एक ही सीरीज है तो इसलिए हमने यहाँ पर वन पास कर दिया है। अभी जो हमने ये सीरीज गेट की है, इस सीरीज में ये अलग अलग पॉइंट है और इन पॉइंट की अलग अलग वैल्यूज हमको चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेरिएंट टाइप का ARR नाम से, और इस एरे वेरिएबल में इस सीरीज की हम वैल्यूज स्टोर करा लेते हैं सारी। उसके लिए हम वैल्यूज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अभी मान लीजिए इतने ही कोड को मैं अगर कंपाइल करूं, मतलब लाइन बाय लाइन रन करूं, और फिर हम इसमें ओपन करें लोकल्स विंडो, तो आप यहाँ पर देखोगे एरे वेरिएबल वेरिएंट टाइप का यहाँ पर है और इसमें 1 to 5 फाइव वैल्यूज शो कर रहा है। और हम देखें तो इसमें वैल्यूज हमारी हर किसी की जितनी भी वैल्यूज थी वो हमारे एरे में स्टोर हो गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और लूप लगाएंगे, लूप को स्टार्ट करेंगे
इस एरे की लोअर बाउंड से, और कहां तक चलाएंगे हम, इस एरे की यू बाउंड तक। लूप को बंद कर देंगे और फिर हमें चेक करना है इफ एरे में करंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 8000, मतलब 8000 के, तो हमें सीरीज में से करंट पॉइंट निकालकर उसको फॉर्मेट करा देना है। उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पी नाम से, पॉइंट टाइप का, और यहां आकर हम लिखते हैं सेट पी इक्वल टू एस डॉट पॉइंट्स, और इस इंडेक्स पर जो भी पॉइंट है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे पी डॉट फॉर्मेट डॉट। आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, ग्लो, फिल, शेडो, जो फॉर्मेटिंग आपको करनी है वो दे सकते हैं। अभी के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, इस पॉइंट के कलर को चेंज कर देते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे फोर कलर डॉट RGB, और यहाँ पर हम कलर दे देंगे ग्रीन, तो हम लिखेंगे इसके लिए RGB ग्रीन। ओके, हमें इतना करना है। अभी एक्सेल की सीट में जाके पहले से जो चार्ट बने हुए हैं यहाँ पर उनको कर देते हैं रिमूव। अब कोड रन करके हम जो चार्ट बनाएंगे इसमें आप देखेंगे जो बाइंडर है जिसकी सेल 8000 की हुई है, और जो पेन सेट है जिसकी सेल हमारी कितनी हुई है 9010 रुपये की। ये दोनों पॉइंट हमारे ग्रीन में शो हो रहे हैं, बाकी तीन पॉइंट हमारे ब्लू में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट के पॉइंट्स को किसी कंडीशन के बेस पर फॉर्मेट करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको जरा सा भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। बाय।